हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले कि क्या 300 प्लस सीए फाउंडेशन में स्कोर करना अब से अगर आप पढ़ाई करें तो पॉसिबल है। अब से इन द सेंस कि अभी तक आप पढ़ाई कर रहे थे और क्या अभी अगर आप अपने पढ़ाई में ये एफर्ट्स डालते हैं तो क्या 300 प्लस पॉसिबल है क्या, उस चीज़ के रिगार्डिंग हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ आपके साथ, मैं दो सब्जेक्ट से रिगार्डिंग बात करूँगा। प्राइमा फेसे इसका आंसर है, बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से अगर अभी से भी पढ़ाई करें तो आप 300 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कैसे, सबसे ज्यादा एक चीज का ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर बच्चे का क्लियर नहीं हो पाता है तो उसके दो मुख्य कारण होते हैं या दो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, वो है मैथ्स या लॉ। मेन सब्जेक्ट्स इन द सेंस फेल करने के लिए, मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, ठीक है। तो अगर मैं बात ऐसा, मैं कोई सब्जेक्ट को ऐसा प्रायोरिटाइज वगैरह नहीं कर रहा हूं, मैं आपके साथ बता रहा हूं कि ये दो सब्जेक्ट के अंदर जनरली ऐसा देखा जाता है कि बच्चे का सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं हो पाता है करके, ठीक है। देखो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ आपके साथ, सबसे पहले मैथ्स की बात करेंगे फिर लॉ की बात करेंगे, ठीक है। मैथ्स की अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो मैथ्स में क्या है, मैथ्स फोबिया के कारण कभी कभार कोई कंसेप्ट है ना उतना हार्ड नहीं होता है, लेकिन सिंस हमें मैथ्स फोबिया है तो अपने को वो कंसेप्ट भी हार्ड लगना चालू होते हैं। तो सबसे पहले अपने माइंड से वो फोबिया निकाल दीजिए, ये इट्स ऑल अबाउट इन आवर माइंड। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जितना भी हम लोग सोचते हैं ना, ये सब ज़्यादा सोचने के कारण होते हैं। तो आपने टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना है मैथ्स के लिए, कैलकुलेटर के ऊपर आपके बढ़िया तरीके से कमांड होनी चाहिए। दूसरा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ये फोबिया को पूरी तरीके से निकाल दीजिए, जितना हो सके जितने क्वेश्चंस हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। और उसके बाद क्या मतलब, और ये आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट दे देके। आप जितना ज्यादा टेस्ट देते रहेंगे, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू के सेशन अटेंड करेंगे, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलते जाएगा और ये फोबिया धीरे धीरे आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। अगर आपका मैथ्स के ऊपर कमांड है तो बहुत ही सही बात है यार, फिर तो कुछ देखना ही नहीं है। फिर अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आता हूं तो वो दूसरा सब्जेक्ट होता है लॉ। लॉ की बात करूँ आपके साथ तो आपको लॉ की लैंग्वेज को अडाप्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप खुद को ऑप्शन देंगे तो आप कभी ये लैंग्वेज की कमांड नहीं ऑप्ट कर पाएंगे। तो ऐसे केस में लैंग्वेज को अडाप्ट कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस के सेशन कीजिए, आरटीपी एमटीपी पढ़िए, लॉ के मॉड्यूल पढ़िए। मोर इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल को पढ़ना, मॉड्यूल को समझना। जितना ज़्यादा आप बार बार रिवाइज करेंगे मॉड्यूल को, उतना सब्जेक्ट की अडेप्टेबिलिटी, उतनी लैंग्वेज की अडेप्टेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। दूसरा, सेक्शन रिटेन नहीं हो पा रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश तो कीजिए, बस जबरदस्ती नहीं हो रहा करके। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सेक्शन कीर्तन सर्च कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट टैग के पूरे सेक्शंस को मैंने उसके अंदर लर्न करवा दिया और एक कुछ ऐसी ट्रिक्स वगैरह बता के आपको लर्न करवा दिया, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगा। और फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ, पॉइंट वाइज हमेशा आंसर लिखिए, जब जितना हो सके उतने पॉइंट वाइज आंसर्स लिखिएगा बेटा। वो क्लैरिटी बताता है, सामने वाले एग्जामिनर को भी लगता है यस, ये सामने वाला व्यक्ति डिजर्व करता है क्योंकि उसने उतनी बढ़िया ढंग से मेहनत करके आया है, प्रैक्टिस करके आया है। तो पॉइंट वाइज आंसर लिखेगा। आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू इज मस्ट। एमटीपी में जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर ऐसा देखा गया है कि वो आरटीपी और पीवाईक्यू के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो एमटीपी को आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन आरटीपी और पीवाईक्यू तो आपने सॉल्व करना ही चाहिए। उसके बाद डू नॉट लीव एनी टॉपिक, कोई भी टॉपिक को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ देता हूँ, सर पार्टनरशिप छोड़ देता हूँ, सोगा छोड़ देता हूँ, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको पूरे टॉपिक्स पढ़ के जाना है, 100% सब्जेक्ट पढ़ के जाइएगा। देखो क्या होता है, आप छोड़ के जाते हो एक टॉपिक, लेकिन आपके मन में जो डर है ना, वो डर के कारण आपको जो टॉपिक आ भी रहा होगा वो भी चीज़ नहीं आता है। अपने को ऐसा लगता है यार अपन ने जो छोड़ के आया ना उसी में से सवाल आने वाला है, कभी कभार उसमें से सवाल नहीं होता है फिर भी अपन लोग सॉल्व नहीं कर पाते, वो डर के कारण। उसके बाद प्रैक्टिस राइटिंग मोर एंड मोर, प्रैक्टिस राइटिंग का इस मतलब ये नहीं होता है कि मैं लेक्चर के अंदर आपको लिखवा रहा हूं तो आप बढ़िया लिख रहे हो करके तो बोले राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, नहीं। राइटिंग प्रैक्टिस मतलब आपने खुद से प्रैक्टिस करना है आरटीपी, मतलब जैसे मान लीजिए आरटीपी पीवाईक्यू में से अज्यूम कर लीजिए पीवाईक्यू आप खुद से सेल्फ कर रहे हो, पूरे पीवाईक्यू के जितने भी क्वेश्चन है वो सेल्फ करके देखिए, एक बार सजेस्टेड आंसर से उसको टैली करके देखिए कि आपको वो पॉसिबल, आपको वो जम रहा है या आपको नहीं जम रहा है, वो चीज के रिगार्डिंग आपको मेहनत करना होगा। बताओ अकाउंट्स के ऊपर, तो अकाउंट्स की मैं बात करूं आपके साथ तो प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस को राइटिंग में। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि बच्चे इसे ऑडिट की तरह पढ़ना, मतलब कि कैलकुलेटर पे से खटखट करते और इधर मतलब सॉल्व नहीं करके देखते, तो वो वाली चीज बहुत गलत अप्रोच है। मतलब दिक्कत 100% आती है आपको अकाउंट्स के अंदर अगर आप ऐसा अप्रोच फॉलो करते हो। और दूसरा, कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स के अंदर, पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए और उससे रिलेटेड जब आप इलस्ट्रेशन या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका
ज्यादा बेहतर आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। केवल और केवल सिर्फ कंसेप्ट समझना और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ये भी एक मूर्खता है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना और कंसेप्ट नहीं समझना, ये भी एक प्रकार की है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ तो ये वाली चीज होती है कौन सी, अकाउंट से रिलेटेड। तो आपको कंसेप्ट भी पढ़ना है, आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। और देखो यार, कभी कभार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अब तीन चार क्वेश्चन सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है तो दो क्वेश्चन के साइड में कट करके रख दीजिए ना, कल चल के आप वो बार 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 एक ही क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करेंगे, आपको दूसरे भी चीजें करना है। तो आपने वो वाले एक क्वेश्चन को, तीनों में से एक क्वेश्चन को मार्क करके रख दो। मान लो दूसरे दो क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट कुछ अलग अलग है, तो दूसरे दो क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स को मार्क करके रख दीजिए। तो ये इस तरीके से आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी भी करना है, केवल हार्ड वर्क नहीं, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी अपने को करना होता है। भाई अब मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं आपके साथ, तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिएगा। वैसे इकोनॉमिक्स में आप आराम से 90+ मार्क्स का एम रख सकते हो और बढ़िया तरीके से आप स्कोर कर सकते हो, और लिटरली ये मार्क्स बूस्टर सब्जेक्ट होता है यार। मतलब इकोनॉमिक्स से जो आपको उछाल मिलेगा ना, वो आपको 300+ जरूर से पहुंचा सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। तो एकदम बढ़िया तरीके से कंसेप्ट प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करते रहिए, भरपूर प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके उतने एमसीक्यू उसको सॉल्व कीजिए। इंस्टीट्यूट के जितने भी आरटीपी एमटीपी के जितने भी सवाल आते हैं, या अगर मैं कहूँ स्टडी मैट के जितने भी सवाल आते हैं, वो वाली चीज़ है ना, क्योंकि पीवाईक्यू तो अवेलेबल होता नहीं है इस चीज़ का। तो ऐसे केस में मैं आपको पूरा, समझ रहे बात को, जितने एमसीक्यूज अवेलेबल है इंस्टीट्यूट के, पूरे एमसीक्यूज को सॉल्व कर डालिएगा, कुछ मत छोड़िएगा। आप इसमें ज़रूर से 90+ एम रख सकते हैं, और टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस कीजिए। वैसे जनरली ऐसा देखा नहीं जाता है, कोई बोलता है कि इकोनॉमिक्स का पेपर छोटा, टाइम की सबसे ज़्यादा दिक्कत मैथ्स और अकाउंट्स में जाती है, लॉ के अंदर तो इसलिए नहीं जाती क्योंकि कभी यार बच्चे को कंसेप्ट नहीं आता है, तो पेपर थोड़ा जल्दी खत्म होता है ना, तो ये वाली चीज़ आती है। तो इस सारे चीज़ों का ध्यान रखिएगा और आप बढ़िया तरीके से क्रैक कर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आपको हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं बेटा कि अभी हमारी एक मिशन सक्सेस बैच ऑलरेडी चल रही है, अभी हमारी एक आरटीपी एमटीपी बैच आने वाली है जिसके अंदर हम लोग आरटीपी एमटीपी इसको पूरी तरीके से सॉल्व करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें जितने भी ये बैचेस वगैरह, आप इसका एक्सेस ले सकते हैं अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन की मदद से। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन होता है, इसमें दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल होते हैं, एक होता है बेटा प्लस, दूसरा होता है आइकॉनिक। प्लस की बात करूं मैं आपके साथ, तो इसके अंदर मेंटरशिप, स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग और पूरे प्लस के बेनिफिट्स आते हैं। तो सर प्लस में क्या होता है? प्लस के अंदर इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स पीडीएफ और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपको मिल जाते हैं। ऐसी दो प्रकार की चीजें होती है, प्लस या आइकॉनिक, राइट। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं यहां पे प्लस, तो यहां पे आप अलग अलग मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और आज यहां पे एक्सटेंशन ऑफर्स चल रहे हैं। तो ऐसे इसमें मान लीजिए मैं 24 मंथ सिलेक्ट करता हूं और मैं यहां पे आईजी सर कोड का प्रयोग करता हूं, आईजी सर, जैसे ही आप कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हो। फिर आपको प्रोसीड टू पे करना है। इसके अंदर बेहतरीन चीज़ ये होती है, यहाँ पे कॉम्बो का एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करेंगे ना, आपको एक कॉम्बो का ऑप्शन आता है, ठीक है। आप कॉम्बो का ऑप्शन आता है तो आपको कॉम्बो के ऑप्शन से कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट का, जो भी एक बहुत सही चीज़ होती है। वही अगर मैं बात करूँ आपके साथ लाइट सब्सक्रिप्शन, ये बहुत ज़्यादा लाइट है, मतलब इसके अंदर केवल टेस्ट सीरीज होती है, बाकी कुछ नहीं होता है, एजुकेटर का कोई एक्सेस आपको नहीं मिलता है, ठीक है। आपके जो आरटीपी एमटीपी बैच है वो भी एक्सेस नहीं मिलता है, आपको केवल टेस्ट सीरीज देने मिलती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, और मतलब बढ़िया तरीके से पढ़िए यार। और अगर आपको कुछ भी और कोई भी मदद वाले वीडियोस चाहिए तो जरूर से मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि वो छोटे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेके आ जाओ। और जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आईजी सर कोड का डेफिनेटली प्रयोग कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, दिस इज सीए इंद्रेश गांधी।